मैं तेजस्विनी गौतम, एसपी चूरू, आज आप सबके लिए एक अपील चूरू पुलिस की तरफ से लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना वायरस के एक बड़े एपिडेमिक से जूझ रहा है। इस वक्त में इंडिया अभी बाकी देशों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये हम सब के लिए एक बहुत ही प्राउड विषय है। लेकिन आगे भी हम इस बीमारी को मात देते रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो प्रिकॉशंस समय समय पर मेडिकल विभाग के द्वारा जारी होते हैं उनका हम नियमित रूप से पालन करें। साथ ही सोशल मीडिया पे होने वाले किसी भी अफवाह से दूर रहें। मैं ज़िले की एसपी होने के नाते आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे यदि कोई भी अफवाह रूमर फैलता हुआ आपको दिखता है या कोई भी इस चीज़ को आगे बढ़ाता है तो हम नियमित लीगल सेक्शंस में उसके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। इसलिए मेरी ये अपील रहेगी कि इस तरीके के आचरण से दूर रहें। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनको प्रशासन के द्वारा मेडिकल फैसिलिटीज़ के द्वारा होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन के निर्देश दिए गए हैं उनसे अपील रहेगी कि वो अपने अपने घरों में रहें और घरों से बाहर ना निकलें। आप सुरक्षित रहेंगे तो ही आगे वाली आने वाली जनता भी सुरक्षित रहेगी। इसके साथ साथ चूरू का जो मुख्य धाम है सालासर, वो भी ऑफिशियली 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है दर्शनार्थियों के लिए। इसीलिए ये भी अपील रहेगी कि आसपास के आने वाले और पूरे इंडिया से आने वाले दर्शनार्थी इस दौरान धार्मिक स्थलों का जो उपयोग है वो नहीं करें, दर्शन के लिए नहीं आए, भीड़ इकट्ठी ना करें, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें स्वयं भी और देश को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।